हेलो 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 एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये जो सिक्योर सॉकेट लेयर होता है यानी कि SSL, वो होता क्या है, SSL सर्टिफिकेट क्या होता है। बहुत बार आप जब गूगल पे जाते हो तो आपने URL www.google.com के पहले HTTPS लिखा हुआ देखा होगा, ठीक है। ऐसे ही काफ़ी वेबसाइट है जहाँ पे आप HTTPS लिखा हुआ देखते हैं, या फिर एक ऐसा ग्रीन कलर का जो लॉक आइकन है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये लॉक आइकन जो है या HTTPS है, जिनको मालूम है उनको ये पता होगा कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर के लिए स्टैंड होता है। इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। लेकिन ये सिक्योर है क्यों, वेबसाइट HTTPS वाले जो है वो सिक्योर क्यों होते हैं, ऐसा क्या है जो इसको सिक्योर बनाता है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इसके पीछे का कंसेप्ट समझने वाले हैं कि SSL सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आपके वेबसाइट को सिक्योर बनाते कैसे, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं, जैसे कि HTTP क्या होता है और HTTPS क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, एनक्रिप्शन के क्या क्या टेक्निक्स होते हैं। एक होता है सिमेट्रिक एनक्रिप्शन, एक होता है एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन। दोनों क्या है, कैसे काम करते हैं, दोनों ही आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। फिर पब्लिक की क्या होता है और प्राइवेट की क्या होता है, दोनों कैसे काम करते हैं, ये भी आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। दो तरह का अटैक देखने वाले हैं, जैसे कि पैकेट स्निफिंग अटैक और मैन इन द मिडिल अटैक। फिर हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि SSL सर्टिफिकेट जो है उसका क्या काम है। SSL को हम लोग TLS भी बोलते हैं, जो कि एक एडवांस वर्जन है आपके नॉर्मल SLS का। तो SSL जो है ये इसका जो एडवांस वर्जन है उसको बोलते हैं TLS, जो कि स्टैंड करता है फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी जो है एक एडवांस वर्जन हो गया आपके SSL का। तो फिर SSL और TLS हैंडशेक जो होता है वो क्या होता है, वो भी हम आज के वीडियो में समझने वाले हैं। और फाइनली हम देखने वाले हैं डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। तो आज के वीडियो में काफ़ी कुछ जानने के लिए, तो सीधा वीडियो में चलते हैं और एक एक करके सारा कंसेप्ट हम लोग आज समझ ही लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जब हम जाते हैं, सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि HTTP क्या होता है और HTTPS क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो HTTP जो है एक तरह से आपका अनसिक्योर्ड नेटवर्क है, क्योंकि जब भी आप HTTP पे डेटा भेजते हो तो लॉक वाला सिंबल जो है नहीं आएगा, ठीक है। उसमें आप डेटा जब भेजते हो तो एज अ प्लेन टेक्स्ट जाता है, यानी अगर आप कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि पासवर्ड या फिर बैंक इंफॉर्मेशन भेज रहे हो तो वो एज इट इज नेटवर्क के अक्रॉस जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई अटैकर चाहे तो नेटवर्क के बीच में आके आपका डेटा उठा सकता है। इसलिए ऐसा जो नेटवर्क होता है, ऐसा जो प्रोटोकॉल होता है यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, अनसिक्योर्ड होता है। दूसरा एक तरीका है जो ऐसा ही प्लेन टेक्स्ट को एक साइफर टेक्स्ट यानी एनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजे उसको सिक्योर करके, ठीक है, ताकि अगर ये एनक्रिप्टेड फॉर्म मिल भी गया हैकर को तो उससे उसको कोई सेंस ही नहीं बनेगा कि ये है क्या। इस इंफॉर्मेशन को बोलते हैं HTTPS, ये टेक्निक जो है HTTPS कहलाता है, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। इसको सिक्योर्ड क्या बनाता है, SSL सर्टिफिकेट। SSL सर्टिफिकेट क्या है, इंक्रिप्शन क्या कैसे काम करता है, ये हम अभी समझने वाले हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक SSL है सर्वर और एक SSL क्लाइंट, ठीक है। तो SSL क्लाइंट जो है यूजुअली आप हो गए, और सर्वर जो हो गया हो सकता है गूगल हो, ठीक है, YouTube हो, जिससे आप रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे कि कभी कभी हम क्या करते हैं, YouTube को किसी वीडियोस के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो YouTube हमको रिस्पॉन्स में वो वीडियोस देता है। वैसे ही मान लीजिए आप अपने दोस्त से कन्वर्जेशन कर रहे हैं, ठीक है, SSL क्लाइंट आप हैं और आपका दोस्त SSL सर्वर है। अगर आप अपने दोस्त को नेटवर्क पे हेलो बोलते हो तो आपका दोस्त उसके रिस्पॉन्स में हाय जो है आपको भेजता है। लेकिन अगर हम लोग एज इट इज इस डेटा को भेजें, इसको बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट, मतलब अगर कोई हैकर बीच में आए, ठीक है, तो वो आपका जो डेटा आप नेटवर्क पे भेज रहे हो वो पढ़ सकता है कि आपने हेलो बोला है, आपके दोस्त ने हाय बोला, ठीक है, और चाहे तो अपने पास ये डेटा रख भी सकता है, इसको चेंज भी कर सकता है। इसी को बोलते हैं आपका जो आप देख रहे थे पैकेट स्निफिंग। अगर वो चेंज नहीं कर रहा है, खाली आपका डेटा पढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं पैकेट स्निफिंग। और आपके नेटवर्क के बीच में आके आप ही का डेटा मॉडिफाई कर देगा तो उसको बोलते हैं मैन इन द मिडिल अटैक, ठीक है। अब इससे बचे कैसे, इन दोनों अटैक से हम लोग बचे कैसे। तो जैसा कि आपको याद होगा मैंने अभी अभी कहा था कि अगर आपको डेटा को सिक्योर करना है
तो उसको इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में भेजना है, यानी कि ये हेलो को कुछ ना कुछ कोडिंग करके आपको इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जो है भेजना है, ताकि अब जितना भी कन्वर्जेशन यहाँ पे हो ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में हो, यानी कि अगर आपने जो डेटा भेजा है नेटवर्क पे ये हैकर उठा भी ले, मान लीजिए ये वाला जो डेटा है हैकर उठा भी ले, तो इसको उससे कोई सेंस ही नहीं बनेगा कि ये है क्या, ठीक है, जब तक ये सीक्रेट कोड जिसमें आपने कोड किया है वो उसको ना मालूम हो, ठीक है। तो यूजुअली जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, जब भी हम लोग कोई टेक्स्ट भेजते थे तो अपने पास उसको कोड करने का जो टेक्निक है वो मालूम है, और सेम टेक्निक वापस हेलो से वो कोडेड फॉर्मेट में जैसे जाते हैं वैसे ही उसको कोडेड फॉर्मेट से हेलो में वापस आने के लिए जो टेक्निक होता है उसको बोलते हैं डिक्रिप्शन। हेलो से कोडेड फॉर्मेट में जाने के लिए जो टेक्निक है उसको बोलते हैं एनक्रिप्शन, ठीक है। तो अगर आप ये समझ गए हैं तो एनक्रिप्ट कैसे करते हैं डेटा को वो समझते हैं। एनक्रिप्ट करना मतलब डेटा को लॉक करना, ठीक है। तो अगर आप नेटवर्क पे डेटा भेज रहे हैं तो आप उसको अगर लॉक करके भेजोगे, ठीक है, हेलो को अगर हम लोग लॉक करके भेजते हैं तो जो अटैकर है वो ये चीज़ नहीं देख पाएगा, ठीक है। अभी के लिए हम लोग खाली हेलो पे कंसेंट्रेट जो है करते हैं। अभी मैंने जो मैसेज भेजा है हेलो, अगर मैं किसी तरह इसको लॉक करके भेजूं अपना एक चाबी यूज करके, ठीक है, तो अटैकर अगर ये मैसेज उठाता भी है तो वो इसको पढ़ नहीं पाएगा क्योंकि ये लॉक है, ठीक है। लेकिन अगर मैं मेरी चाबी का एक कॉपी मेरे दोस्त को भिजवा दूं, ठीक है, एक कॉपी मेरे दोस्त के पास है, एक कॉपी उस चाबी का मेरे पास है जिससे मैंने डेटा को लॉक किया है भेजने के पहले, तो ये डेटा जब मेरे दोस्त के पास जाएगा तो मेरा दोस्त आराम से मेरे ही चाबी की कॉपी से, डुप्लीकेट कॉपी से इसको खोल सकता है क्योंकि उसके पास मेरे चाबी का डुप्लीकेट की है, लेकिन अटैकर के पास नहीं है। पर जैसे google.com हुआ, उसको आप कैसे अपना की जो है सिक्योरली नेटवर्क पे भेजोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब मान लीजिए नेटवर्क पे, ठीक है, आपको भेजना है हेलो, बट हेलो के पहले आप एक की भेजोगे ताकि ये लॉक फॉर्म में जब आप भेजते हो, ठीक है, ये देखिए एक की जो है उसका कॉपी आप अपने दोस्त को भेजोगे, ठीक है। जैसे दोस्त के पास आएगा तो वो आपका मैसेज अनलॉक करके सेम टाइप से पढ़ सकता है, लेकिन जब आप नेटवर्क पे एज इट इज की भेज रहे हो तो इस की का एक कॉपी हैकर जो है अपने पास रख सकता है कि नहीं। अब जो इंक्रिप्शन हम लोग कर रहे थे जिसमें एक की का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बोलते हैं सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि दोनों चाबी जो है मेरे पास और मेरे दोस्त के पास होना चाहिए, लेकिन चाबी को नेटवर्क पे भेजना डायरेक्टली अनसिक्योर्ड है क्योंकि इसको भी मेरे को इनक्रिप्ट करना है और चाबी को इनक्रिप्ट करने के लिए मुझे एक और चाबी चाहिए होगा। तो जब सिमेट्रिक इनक्रिप्शन काम नहीं आ रहा है तो दूसरा जो काम आता है उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन, ठीक है। हमारे पास एक और टेक्निक है जो है एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन। उसमें क्या है, उसमें जो है एक की जगह दो चाबी यूज होता है, ठीक है, एक की जगह दो चाबी यूज होता है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को मेरे दोस्त को बोलना है हेलो तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे को तुमसे कुछ काम है, क्या क्या बोलूंगा, मेरे को तुमसे कुछ काम है, ठीक है, क्या काम है ये मैं नहीं बताऊंगा। तो जैसे ही अटैकर इसको पढ़ता है उसको समझ में आएगा कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे दोस्त को कि मेरे को उससे कुछ काम है, लेकिन क्या काम है वो उसको नहीं समझ में आएगा जब तक मैं बताऊं नहीं, ठीक है। अब अटैकर मेरा दोस्त जो है वो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज करेगा। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में एक की जगह हम लोग दो चाबी का यूज करते हैं, एक होता है आपका पब्लिक की, ठीक है, एक होता है पब्लिक की जो कि हम लोग इसको आप पर्पल कलर से जो है उसको पब्लिक की मानिए, और एक होता है आपका प्राइवेट की, ठीक है, एक होता है पब्लिक की दूसरा होता है प्राइवेट की,
अब ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक की जो होता है वो डेटा को लॉक करने के लिए यूज होता है, यानी डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए यूज होता है। लेकिन प्राइवेट की जो है वो डेटा को अनलॉक यानी डिक्रिप्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो पब्लिक की जो है आप अपने दोस्त को या फिर इंटरनेट पे भेज सकते हो, लेकिन प्राइवेट की जो है आपको हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को डिकोड करके जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो आप निकाल सकते हो यूजिंग योर प्राइवेट की, क्योंकि डिक्रिप्शन के लिए प्राइवेट की यूज हो रहा है। अब जब जैसे आपने ये रिक्वेस्ट किया तो दोस्त आपको अपना जो पब्लिक की है वो नेटवर्क के थ्रू भेज देगा। ठीक है, तो अब इस स्टेप में क्या हो सकता है कि हैकर एक कॉपी जैसे आप भेज रहे हो अपने पास रख ले, किसका, आपके दोस्त के पब्लिक की का, और ये फॉरवर्ड हो जाए नेटवर्क पे और एक कॉपी आपको मिल गया। अब आपके पास भी आपके दोस्त का पब्लिक की है और हैकर के पास भी आपके दोस्त का पब्लिक की है। तो सेकेंड स्टेप में अब ये हो गया, पहला स्टेप आपने रिक्वेस्ट भेजा कि मेरे को तुमसे कुछ काम है, तो आपके दोस्त ने उसके रिप्लाई में भेजा कि ये लो मेरा पब्लिक की। थर्ड स्टेप क्या है, अब थर्ड स्टेप में आप मैसेज जो है आपका इसको आपके दोस्त के पब्लिक की को यूज करके एक लॉक लगाओगे। ठीक है, जैसे आपने ये लॉक लगाया आपने डेटा को एनक्रिप्ट फॉर्म में कर दिया यूजिंग आपके दोस्त का पब्लिक की। अब आपने इसी लॉक डेटा को नेटवर्क पे भेज दिया। ठीक है, मान लीजिए अब ये अटैकर ये डेटा उठाने का कोशिश करे तो क्या ये डेटा खोल सकता है? सोचिए, क्या ये डेटा अटैकर खोल सकता है? उसके पास क्या है, आपके दोस्त का पब्लिक की। लेकिन डेटा को डिकोड करने के लिए यानी अनलॉक करने के लिए हम लोग को कौन सा की चाहिए? हम लोग को जो की चाहिए उसका नाम है प्राइवेट की। किसका? मेरे दोस्त का, क्योंकि मैंने लॉक लगाया पब्लिक की मेरे दोस्त के पब्लिक की से लॉक लगाया। तो वैसे ही अगर मेरे को डिकोड करना है यानी उसको अनलॉक करना है तो मैं जो यूज करूंगा वो है प्राइवेट की मेरे दोस्त के। ठीक है, अभी ये जो मैसेज है ये पहुंच गया मेरे दोस्त के पास, तो क्या मेरा दोस्त इसको खोल सकता है? तो आंसर है बिल्कुल, ये अब बिल्कुल जो है चाबी खोल सकता है, क्योंकि इसके पास अपना प्राइवेट की जो है वो अवेलेबल है, तो इसके थ्रू ये लॉक जो है इसको खोल सकता है और मैसेज जो है पढ़ सकता है। तो ये हो गया आपका एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, जिसमें हम दो चाबी का यूज कर रहे हैं, एक था पब्लिक की ये रहा और दूसरा आपका प्राइवेट की। इस स्टेप में मैं क्या कर सकता हूं, मैं चाहूं तो इंस्टेड ऑफ डेटा, ठीक है, मेरा गोल है कि दोनों के पास एक कॉमन सिमेट्रिक की हो। ठीक है, तो मैं चाहूं तो डेटा की जगह मैं अपना की जो है उसी को लॉक करके जो है भेज सकता हूं। ठीक है, अपना की को लॉक करके भेज सकता हूं ओवर द नेटवर्क। जैसे ही ये भेजूंगा तो अटैकर चाहे भी ये डेटा उठाना चाहे भी तब भी उठा नहीं सकता है, सेम फिलोसफी, क्योंकि उसके पास प्राइवेट की जो है वो अवेलेबल नहीं है, उसके पास जो की है वो है पब्लिक की। ठीक है, लेकिन जैसे ये की जो है मेरे दोस्त के पास पहुंचता है, ठीक है, तो वो इसको खोल सकता है यूजिंग हिज प्राइवेट की। तो जैसे ही वो ये लॉक खोलता है, ठीक है, तो उसके पास मेरा जो है पब्लिक की या सिमेट्रिक की बोल सकते हो आ जाएगा। तो अब मैं जो है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन परफॉर्म कर सकता हूँ, जो आपका फर्स्ट स्टेप था, क्योंकि दोनों के पास सेम की है और मैंने सिक्योरली इसको नेटवर्क के थ्रू भेज दिया है। तो जैसे ही मैं अपना पब्लिक की यूज करके लॉक करूंगा डेटा को, ठीक है, तो मैं लॉक कर दिया, अटैकर के पास ये पब्लिक की मेरा जो है सिमेट्रिक वाला नहीं है। तो जैसे ही ये डेटा पहुंचता है सर्वर के पास, सर्वर अपना की यूज करके इसको खोल सकता है, बिल्कुल खोल सकता है, और जैसे ही वो खोलेगा तो उसके पास क्या आ जाएगा, उसके पास मेरा मैसेज जो है पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन मिला के जो तो कॉम्बिनेशन बनता है वो है आपका SSL हैंडशेक की तरफ एक फर्स्ट स्टेप। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम अभी भी है,
अभी तक हमने SSL का कॉन्सेप्ट जो है पढ़ा नहीं है, SSL सर्टिफिकेट क्यों यूज होता है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, यानी अटैकर अभी भी इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है, आपका डेटा अभी भी ले सकता है। तो आपके हिसाब से ये जो टेक्निक है, क्या ये सिक्योर है, आपको क्या लगता है? 2 मिनट लेके सोच के देखिए, ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ओके, इफ यू आर रेडी, अभी हम इस टेक्निक में भी गड़बड़ जो है ढूंढते हैं। जैसे आपके दोस्त के पास अपना पब्लिक की है और अपना प्राइवेट की है, वैसे ही अटैकर के पास भी अपना पब्लिक और प्राइवेट की हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए ये उसका पब्लिक की है और इसी के साथ एक प्राइवेट की जो है वो अपने पास रखता है। अब आपने सबसे पहले स्टेप में क्या किया था, दोस्त को रिक्वेस्ट भेजा था, ठीक है, कि मुझे तुमसे कुछ काम है। ठीक है, अटैकर क्या करेगा, आपके और आपके दोस्त के बीच में घुस जाएगा और आपका रिक्वेस्ट जो है वो आपके दोस्त तक जाने ही नहीं देगा। ठीक है, जैसे ही उसको पता चला कि आप अपने दोस्त को कुछ रिक्वेस्ट भेज रहे हो, ठीक है, ये वाला पार्ट थोड़ा ध्यान से सुनना, वो क्या करेगा, अपना जो पब्लिक की है आपको रिस्पॉन्स में नेटवर्क के थ्रू वापस भेज देगा। अब आपके पास एक पब्लिक की आ गया है, आपने अपना रिक्वेस्ट भेजा था अपने दोस्त को, आपको क्या लगेगा कि ये जो पब्लिक की आया है वो तो मेरे दोस्त का है, तो चलिए मैं इससे अपना जो है सिमेट्रिक की इसका एक कॉपी बनाता हूँ, ठीक है, और इसको आपके जो आपको लग रहा है कि ये आपका दोस्त का की है उससे लॉक करके, ठीक है, ये हो गया लॉक, उससे लॉक करके मेरा जो की है मैं नेटवर्क पे भेज देता हूँ। अब जब अटैकर इस की को देखेगा तो क्या अटैकर इसको खोल सकता है, ये वाले की को जो लॉक फॉर्मेट में आपने नेटवर्क में भेजा है, क्या खोल सकता है? तो आंसर इज हाँ, क्योंकि आपने लॉक लगाया, एक्चुअली किससे लॉक लगाया, अटैकर के पब्लिक की से, तो अपना प्राइवेट की जो है अटैकर यूज करके ये लॉक खोल सकता है, और जैसे ही खोलेगा अटैकर को आपका जो सिमेट्रिक की है वो मिल चुका है। ठीक है, तो अब वो अगर चाहे तो ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर सकता है, ठीक है, एंड जैसे ही रिस्पॉन्स आपके दोस्त का है अपने पब्लिक की का, ये अपने पास रख के डिलीट कर देगा। ठीक है, तो दोस्त को लग रहा है कि पब्लिक की उसने भेज दिया है, लेकिन पब्लिक की एक्चुअली किसका गया है आपके पास, अटैकर का, एंड आपके की का एक कॉपी बना के ये भेज दिया मैंने आपके दोस्त को। नाउ आपको लग रहा है कि मैंने अपने दोस्त से बात जो है कर ली है, तो चलिए अब आप इस की का मदद लेके, ठीक है, अपने की का मदद लेके आप इस डेटा को जो आप भेज रहे हैं नेटवर्क पे उसको लॉक कर देंगे। अब अटैकर जाए तो उसके पास आपके की का एक कॉपी है, तो जैसे ही आप ये डेटा भेजेंगे वो इसको उठाएगा, चाबी यूज करके आपका लॉक जो है खोल देगा, फिर मैसेज उसके लिए क्लियर है और आपका मैसेज वो आराम से पढ़ सकता है। तो अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ है कि हम लोग वेरीफाई नहीं कर पाए कि जो चाबी मेरे को भेज रहा है वो मेरा दोस्त है कि नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन से हम डील कैसे करेंगे, है ना, तो इसको सॉल्व करना तो बहुत जरूरी हो गया। इसी सिचुएशन को बोलते हैं मैन इन द मिडिल अटैक, जिसमें अटैकर जो है आपके और आपके दोस्त के बीच में आके इंफॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं और आपका दोस्त जब जवाब दे रहा है तो उसको लग रहा है कि वो आपको दे रहा है, लेकिन बीच में जो है अटैकर जो है दोनों तरफ से गेम खेल रहा है एंड आप ही का इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है। तो इसको यानी आपके दोस्त को वेरीफाई करने का क्या तरीका हो सकता है, एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। जब भी आप कभी कॉलेज या फिर ऑफिस जाते होंगे तो आपका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है कि नहीं? तो जब आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड आप देखोगे तो उसमें आपका नाम लिखा होता है, यानी इशूड टू किसको, जो भी आपका नाम है, इशूड बाय जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ये स्टैम्प लगा हुआ है,
ठीक है, म्यूनिसिपल आइडेंटिफिकेशन जो भी है सिटी ऑफ शिकागो, यानी इशूड बाय दैट ऑर्गेनाइजेशन। फिर वैलिडिटी पीरियड, कब तक वैलिड है, एक्सपायर्स ऑन सो एंड सो डेट। फिर एक यूनिक आईडी नंबर होगा, ठीक है, और फाइनली एक साइन एंड स्टैम्प होगा ऑफिशियल, जो ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से लगता है, और उस साइन और स्टैम्प को कोई भी दूसरा चाहे तो रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। तो ये जब आप सारा डिटेल देखते हैं एक आइडेंटिटी कार्ड में, तो आपको समझ में आता है कि जो आदमी गेट से घुसना चाह रहा है वो जेन्युइन है, उसको एक्सेस दे सकते हैं। अगर किसी के पास ये वाले डिटेल्स नहीं है तो वो अनऑथराइज एक्सेस करने का कोशिश कर रहा है, उसको हम गेट पे ही रोक देंगे। सिक्योरिटी गार्ड का एक तरफ से ये काम होता है, करेक्ट। तो अब जो हम लोग जो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे थे वो था SSL सर्टिफिकेट, वो भी कुछ ऐसा ही दिखता है, ठीक है। SSL सर्टिफिकेट जो होता है उसमें भी आपका इशूड टू, जैसे google.com है तो इशूड टू google.com, इशूड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, वो सब आपको दिखेगा, ठीक है। एंड वैलिड अप टू कब एंड कब इशू किया गया था, दोनों डेट जो है डेट एंड टाइम लिखा रहेगा। यूनिक आईडी नंबर जैसे आपका इसमें होता है, वैसे यूजुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। SSL सर्टिफिकेट जो है उसमें क्या होता है कि जो आपका सर्वर है वो अपना एक SSL सर्टिफिकेट इशू करवाना चाहेगा, ताकि उसके वेबसाइट में URL में HTTPS लग जाए, यानी सिक्योर कि मेरे से जब बात कर रहे हो तो कोई बीच में आ नहीं सकता है। तो SSL सर्टिफिकेट में क्या होता है, एक होता है जैसे आपके पास अपना पब्लिक की और प्राइवेट की है, ठीक है। तो जैसे आप आईडी कार्ड में देख रहे थे, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ना, यूनिक आईडी नंबर, जो कि आपका यानी सर्वर का एक यूनिक नेम हो सकता है। तो यहाँ पे यूनिक क्या है, जो हम नेटवर्क पे भेज सकते हैं, हमारे पास दो चाबी है, पब्लिक और प्राइवेट, लेकिन प्राइवेट तो भेज नहीं सकते नेटवर्क पे, उसको तो हमें अपने पास रखना है, तो पब्लिक भेज सकते हो आप नेटवर्क पे। SSL सर्टिफिकेट में आपका एक तो पब्लिक जो है वो की होगा, और दूसरा एक जैसे आपके आईडी कार्ड में स्टैम्प या फिर सिग्नेचर लगता है ऑफिशियल साइनिंग अथॉरिटी का, वैसे ही SSL सर्टिफिकेट ओनली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के पास परमिशन होता है जो उसको इशू कर सकते हैं। तो SSL जो सर्टिफिकेट है उसमें डिजिटल सिग्नेचर का काम आता है, जैसे आपके आईडी कार्ड में सिग्नेचर होता है वैसे ही एक डिजिटल सिग्नेचर का काम होता है। अब डिजिटल सिग्नेचर जो है वो थोड़ा सा एनक्रिप्शन से डिफरेंट है। वो क्या है, आपका जितना भी SSL में ये डिटेल है जो कि है इशूड टू, इशूड बाय, वैलिडिटी पीरियड, ठीक है, आपका पब्लिक की, इस सब इंफॉर्मेशन को हैश कर देता है, और हैश करने के बाद आपका SSL ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके पास भी दो की होगा, एक पब्लिक की प्राइवेट की, ठीक है। पब्लिक की जो है वो क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन वेल नोन है, तो इसका जो पब्लिक की होगा, ये पब्लिक की जो है उसका एक कॉपी आपके ब्राउजर के पास होता है, कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एलिजिबल है SSL सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। तो हैकर चाहे भी तो ये SSL सर्टिफिकेट अपने तरफ से इशू नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर, वो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इशू कर रहा है SSL सर्टिफिकेट, वो डिजिटल सिग्नेचर जो है इशू करेगा अपना प्राइवेट की यूज करके। अभी ये देखिए, हैश करके जितना इंफॉर्मेशन है आपका, जैसे पब्लिक की हो गया या कुछ और है, ठीक है, उसको हैश करके आप SSL जो सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी है उसके प्राइवेट की को यूज करके आप अपना SSL सर्टिफिकेट बना सकते हो। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक यूनिक कोड बनेगा जो कि है आपका डिजिटल सिग्नेचर। अभी याद रखिए, डिजिटल सिग्नेचर जब बनाते हैं तो उसको साइन करने के लिए हम लोग प्राइवेट की का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो यूनिक है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और प्राइवेट की क्योंकि हम कहीं शेयर नहीं कर रहे, तो अटैकर चाहे भी तो इस कॉम्बिनेशन को रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। और जब ये पूरा कॉम्बिनेशन यानी आपके पब्लिक की का और डिजिटल सिग्नेचर यानी प्राइवेट की वाला जितना इंफॉर्मेशन, आपके पब्लिक की, सॉरी, पब्लिक की ऑफ योर फ्रेंड प्लस ऑल अदर इंफॉर्मेशन, जैसे कि कब इशू किया गया, किसको इशू किया, किसने इशू किया, वो सारा इंफॉर्मेशन हैश करके साइन किया जाता है यूजिंग प्राइवेट की। ये सारा इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, ये आपका दोस्त जो है आपको अपने पब्लिक की के साथ अब नेटवर्क के थ्रू भेजता है, ठीक है। जैसे आपने रिक्वेस्ट किया पहले स्टेप में जैसे आपने रिक्वेस्ट किया, ठीक है, जैसे ही आपने रिक्वेस्ट किया तो आपका दोस्त खाली पब्लिक की नहीं भेज के एक सर्टिफिकेट जो डिजिटली साइंड होता है वो पूरा आपको भेज देगा, ठीक है।
तो जैसे ही आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा तो सबसे पहले आप देखोगे ये पब्लिक की तो मिल गया, ये मेरे दोस्त का है कि मेरे अटैक या फिर अटैकर का है। ये कैसे पता चलेगा? आप अटैकर जो है वो डिजिटल सिग्नेचर तो कॉपी नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि उसका एक पब्लिक की आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। उसको जब आप डिजिटल सिग्नेचर से मैच करेंगे, देखेंगे कि ये तो जो SSL सर्टिफिकेशन इशुइंग अथॉरिटी है उसी का है। तो जब डिजिटल सर्टिफिकेट का बात आता है तो उसको एनक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की यूज होता है और डिक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की, और पब्लिक की का कॉपी आपके पास हमेशा रहता है। तो जैसे ही आप डिक्रिप्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको ये जो चाबी है मिल जाएगा। इसको कंपेयर कर लीजिए आपके दोस्त की चाबी के साथ, तो आपको पता चल जाएगा ये ऑथेंटिक जो है आपके दोस्त ने ही भेजा है। तो अब आपको मालूम है कि ये कोई हैकर का काम नहीं है। इसी को बोलते हैं SSL सर्टिफिकेट, यानी सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट। ये कैसा दिखता है एक्चुअल में, वो भी आपको मैं वेबसाइट पे जाके अभी दिखा देता हूँ, ठीक है? जब आप google.com पे जाते हैं, आजकल ये आइकन दिखाता है, ठीक है? जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आएगा मैसेज कनेक्शन इज सिक्योर, ठीक है? जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो एक और मैसेज आपको दिखेगा, सर्टिफिकेट इज वैलिड। ये कौन सा सर्टिफिकेट है? और कुछ नहीं, आपका SSL सर्टिफिकेट है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन, जैसे ID कार्ड होता है आपका, वैसे ही आपको मिल जाएगा, जैसे कि किसको इशू किया गया है, किसने इशू किया है, ठीक है? इशूइंग अथॉरिटी है WR2। ये मेरे ब्राउजर को मालूम है कि ये जेन्युइन SSL इशूइंग अथॉरिटी है, ठीक है? फिर कब इशू किया है, पूरा डेट एंड टाइम सब लिखा है, और एक्सपायर कब होता है वो भी लिखा है। लास्टली SHA-256 जो है एल्गोरिदम यूज हुआ है हैश करने के लिए, और उसी को बोलते हैं फिंगरप्रिंट। जैसे आपका फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी होता है, कभी कभी ID कार्ड में फिंगरप्रिंट भी लगाना पड़ता है, वैसे ही एक तरह का जैसे सिग्नेचर है वो है, जिसमें आपका पब्लिक की जो है आपके दोस्त का, यानी इस मामले में google.com जो है जिसको हम लोग सर्विस जिससे ले रहे हैं, उसका पब्लिक की और सर्टिफिकेट ID, जो डिजिटल आपका सर्टिफिकेट ID बन के आया है हैश होके, वो ये दोनों आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो यही है आपका ऑन एंड ऑल SSL सर्टिफिकेट का पूरा कंसेप्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया और कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे इंफॉर्मेशन बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।